वीडियो डज नॉट मीन टू हेट एनी ब्रांड, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसका मकसद सिर्फ एक ही है, जो पैसे आप पेड कर रहे हो उस हिसाब से आपको स्मार्टफोन मिले। गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वीवो वी 19 के बारे में। आई नो कि आपको क्वालिटी इंप्रूव मिलेगी बिकॉज मैंने ये सस्ता सा जुगाड़ कर लिया है, जो कि दिखने में तो काफी बुरा लग रहा है लेकिन क्वालिटी तो अच्छी है ना। यहाँ पर मैं बात करूंगा वीवो वी 19 के बारे में। तो वी 17 से अपग्रेड तो है लेकिन मैं कहूंगा अपग्रेड है ही नहीं। अपग्रेड सिर्फ फास्ट चार्जिंग में, वहां पर आपको 18 वॉट की मिलती थी, यहाँ पर आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बैटरी की बात करें तो 4500 एमएएच की बैटरी है यहाँ पर। कैमरास की बात करें तो 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। दोस्तों, वीवो वी 19 में आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है और गेमिंग स्पेस टर्बो भी मिलता है, जिससे गेमिंग आप अच्छी कर सकते हो। लेकिन वही बात हो गई, ये गेमिंग स्पेस लगाने से या लिक्विड कूलिंग लगाने से ये मोबाइल थोड़ी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड ज़रूर करेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 720G थोड़ी ना बन जाएगा, तो वही बात हो गई। तो यहाँ पर आपको 1080p का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि फुल HD प्लस है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। प्रोसेसर आई क्वाइट, प्रोसेसर जो है इसमें वो स्नैपड्रैगन 712 है, जो कि अगर पिछले की बात करें वीवो वी 17 से तो उससे कोई अपग्रेड तो नहीं है, बिकॉज उसमें प्रोसेसर था 675, इसमें है 712। 675 मल्टीटास्किंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है और गेमिंग के हिसाब से 712 स्नैपड्रैगन अच्छा है। अब बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो 60,000 इसकी प्राइस बताई जा रही है। फ्रंट पे बात करें तो 32+2 मेगापिक्सल का कैमरा है डुअल पंचोल के साथ एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। अब मुझे आ रहा है गुस्सा इस बात का है, जहाँ पर Realme 5 Pro लॉन्च हुआ था जबकि उसकी प्राइस थी 36,000, आफ्टर डिस्काउंट आपको कुछ इतने का ही मिल रहा था 36,000 में। उसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 712, एड्रीनो 616 का GPU, वही सेम चीज़ें जो आपको इसमें मिल रही है वही सेम चीज़ें आपको उसमें भी मिल रही थी। उसमें भी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग थी लेकिन यहाँ पर आपको 33 वॉट की मिल रही है। तो बस फास्ट चार्जिंग की वजह से हम 36 से डायरेक्ट 60,000 इन्वेस्ट करें। यार, वीवो इज मेकिंग अ फूल, वीवो पाकिस्तान को ठग रहा है। आई एम यूजिंग दैट थर्ड क्लास लैंग्वेज, बट वीवो डिजर्व इट। जहाँ पर एक कंपनी इनोवेशन कर रही है, जैसे कि रिसेंटली मैंने रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में वीडियो बनाई थी, जो कि 720G प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ। 40-45 प्राइजेस की आएगी, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन 40-45 में आपको स्नैपड्रैगन 720G मिल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको 712 प्रोसेसर मिल रहा है वो भी 60,000 में। बताओ तो सही वीवो, मिस्टर वीवो, आई एम टॉकिंग टू वीवो पाकिस्तान, व्हाट द हेल यू आर मेकिंग हेयर। 36,000 में आपको वही प्रोसेसर मिल रहा है और यहाँ पर आपको 60,000 में भी वही प्रोसेसर मिल रहा है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपको वीवो वी 19 के साथ। जो खरीदना चाह रहा है वो मुझे कमेंट्स में तो बताओ ज़रा। और इस वीवो को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने कुछ हैशटैग बनाए, जैसे कि वीवो पाकिस्तान, हैशटैग AKD टेक्निकल वीवो पाकिस्तान, ये तो हैशटैग आप यूज़ करो और वीवो को हम क्रिटिसाइज करेंगे, बिकॉज ही इज़ डूइंग वेरी रॉन्ग, गलत है ये। 35,000 वाले फ़ोन की प्राइस 60,000 कर दी, दिस इज़ नॉट फेयर। अगर इसकी प्राइस कम होती है तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, अब देखते हैं क्या प्राइस रहती है। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, कैसे लगे आपको मेरे ओपिनियंस कमेंट में शेयर करो। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके ओपिनियंस वीवो वी 19 के बारे में क्या है। लेट यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।